एमा और कैटी को पता है कि उन्हें क्या परोसा गया है, लेकिन एमा उत्साहित नहीं है क्योंकि उसे चीज मिला है, वह भी बदबूदार। वह तो हमें साफ साफ बता रही है कि उसे वह नहीं खाना है, लेकिन कैटी तो बहुत खुश है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट से ढकी हुई को कौन मना कर सकता है, वह खुशी खुशी उसे खाती है जब तक एमा बैठ कर नखड़े कर रही है। उफ, लगता है कि तुम्हारे पास यह खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नियम तो यही है। उफ, चॉकलेट से भी वो बदबू कम नहीं हो सकती, उसे जल्दी कुछ सोचना होगा, और लगता है कि उसने वह कर लिया। एक चालाक तरकीब और उसे उपाय मिल गया। केटी, तुम्हारे स्ट्रॉबेरीज को कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, हरे वाले हिस्से तो एमा को बचाने वाले हैं। बिल्कुल सही, इस तरह उसे किसी चीज की गंध नहीं आएगी, और इसका मतलब है कि स्वाद भी मुश्किल से आएगा। लेकिन केटी एमा को इतनी आसानी से बचने नहीं देगी, और उसके सूंघने की शक्ति वापस आ गई है। छी, वह तो भयानक था। केटी मुस्कुराते हुए चेहरे से अपना फल खाती है, बहुत भाग्यशाली है वह। ठीक है, दूसरा दौर, ब्रोकली और छड़ी पर लगा हुआ गम। एमा, आज का दिन तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्त, जितना मन हो उतना चॉकलेट लगा लो उस पर। नहीं, क्या उसे कोई मदद नहीं हो रही है? गम और चॉकलेट, ये तो पहले कभी नहीं सुना है। चलो चक कर देखती हूँ। ओके। ओह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह कॉम्बो सबको खाने की सलाह देती हूँ। ओह मैन। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा गम है, इसका मतलब है बहुत सारे बबल्स। समस्या लेकिन यह है कि केटी को उम्मीद नहीं थी कि उसके बबल से इतना विस्फोटक प्रभाव होगा। अच्छी लग रही हो लड़कियों, उनके चेहरे तो पूरे चॉकलेट से ढक गए हैं, इतना गंदा लेकिन तब भी स्वादिष्ट। एमा आज अपने आत्मा को दुखी होने से नहीं बचा रही है। सभी अच्छे खाद्य पदार्थ केवल केटी के सामने ही आते जा रहे हैं। स्वादिष्ट मीठे मफिन, इसे पहले से ही चॉकलेट में डाल दें। या उस फाउंटेन में फिट होने के लिए थोड़े बड़े हैं। ओ, अब यह बहुत बेहतर है। उसका हाथ गंदा हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक था। मेरे लिए एक और गंदा हरा खाना। Okay. अच्छा, क्यों? मुझे लगता है स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। इस दो चीजों को कभी नहीं मिलाया जाना चाहिए, यह बिल्कुल ही विपरीत है। अरे नहीं केटी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारा मीठा खा लिया है, और मुझे पता है कि उन सभी चीनी के प्रतिकार के लिए क्या करना चाहिए। यह खीरा जरूर काम करेगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब बैठो और आराम करो, तब तक मैं इस अतिरिक्त मफिन्स का ध्यान रखती हूँ। स्वादिष्ट। वाह, यह वास्तव में काम कर गया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से काम कर जाएगा। हाँ, मेरा ध्यान तो मीठे पर ज्यादा चला गया, लेकिन तुम्हें भी मेरा कर्ज उतारना था, तो चलो दोनों का काम हो गया। खैर, अंत भला तो सब भला। मैं कहती हूँ कि इस दौर में कोई नहीं हारा है। यह चुनौती अच्छे से आगे बढ़ रही है। आगे क्या है? सैलरी और टेडी बियर के आकार का केक। एमा अपने शरारतों से बाज नहीं आती है, इस बार उसके दिमाग में क्या आया है? अरे केटी, देखो मुझे क्या मिला है, यह बहुत अच्छा है। ओ, वह क्या है? ऐसा करने के लिए मेरे पास एक ट्विक्स बार है, यह बिल्कुल सैलरी के समान ही कुरकुरे हैं। मैंने तुमसे कहा था यह लाजवाब होगा। आज मैं काफी उदार महसूस कर रही हूँ, अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो हम एक ट्रेड कर सकते हैं। उन टेडी बियर को मुझे दे दो।
हाँ, उन सारे भयंकर व्यंजनों के बाद यह तो इनाम के समान है। केटी को आसानी से बुद्धू बना दिया, और यह छोटे बेयर तो बस चॉकलेट में डुबोने के लिए ही बनाए गए थे। कसम खाकर कहती हूँ, यह सबसे अच्छी चीज है जो आज तक मैंने खाई हो। मैं इस चॉकलेट की छड़ी को चबाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। ओह, यह वैसा नहीं है जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी। यह भयानक है। ऐ माँ, तुमने यह जानबूझकर किया है। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? हमें मेज पर एक नया दौर और नया भोजन मिला है। ओह, पॉपसिकल्स और हॉट डॉग्स। खैर, अगर और कुछ नहीं तो एमा आखिर खुश हो सकती है कि वो अपनी डिश का आनंद ले सकती है। उसके केले के स्वाद वाली आइसक्रीम में एक और मीठी परत लगने वाली है। केटी चमत्कार पर विश्वास करती है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। वो वास्तव में सोच रही थी कि इससे भी बदतर होगा, लेकिन यह कॉम्बो वास्तव में खाने लायक है। और एमा को हड़बड़ी हो रही है अपने मीठे को खाने में, और वो इसे काटने वाली है। वो पूरी तरह से जम गई है। उसे अपने ठंडे ट्रीट को खाने में कुछ समय तो लगाना चाहिए। केटी, तुम उसकी आखिरी उम्मीद हो। हाँ, हेयर ड्रायर से निकली गर्म हवा उसे पिघला देगी। एमा, तुम्हें अभी के लिए उस पॉपसिकल को भूल जाना चाहिए। केटी उसे जरूर खत्म कर देगी जो बचा हुआ है। वो मदद करने के लिए खुश है। एमा का ब्रेक लंबे समय तक नहीं चला। मछली? यह सिर्फ पागलपन है। पर केटी को प्यारी कीवी मिली है। एक फल के रूप में यह स्वादिष्ट है, पर चॉकलेट इसे अभूतपूर्व बना देगा। यह अब खाने के लिए तैयार है, और अब मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, मुझे मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। मैं तो कल्पना करके ही घबरा रही हूँ कि यह कितना बुरा होगा। ठीक है, अगर किसी ने सोचा था कि यह अच्छा नहीं होगा तो आप गलत थे। इसे तो मुंह में डालना तक असंभव है। केटी, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी। जब तक वो होश में नहीं आ रही है, मैं इस समय का लाभ उठाऊंगी। मुझे यह स्वाद अपने मुंह से निकालना है। यार, मैं इस तरह से नहीं खेल सकती जब तक यह गंदा सामान मेरी प्लेट पर है। और केटी को केले मिले हैं। क्या मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी कर सकती हूँ कि यह उतना बुरा नहीं होगा? और केटी एक सम्भ्रांत महिला की तरह अभिनय करके खाना शुरू करती है। अरे मेरे प्यारे छोटे मिठाई, चलो तुम्हें जल्दी से चॉकलेट में डुबोती हूँ। मैं पहले से ही महसूस कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा होगा। ओह, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। एमा के चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि यह डिश तो अच्छी नहीं है, और उसकी गंध यह बताने के लिए काफी है। एमा, क्या तुम प्लीज मेरे ऊपर सांस लेना बंद करोगी? ये लो। उफ, वैसे ही अच्छे से काम कर गया। और अब अंत में हमारे पास एक अंडा और चॉकलेट बार है। दिलचस्प। रुको, उसने कपड़े क्यों बदल लिए? क्या सच में एमा है, या उसके जैसी लगने वाली कोई लड़की उसके जगह पर आ गई है? केटी बेपरवाह नहीं हो सकती, उसे छड़ी पर स्नीकर्स मिला है। यह खूबसूरत अजनबी अपने साथ कुछ लेकर आई है। क्या
क्या तुमने देखा कि अभी क्या हुआ? उसकी सोने की अंगूठी चॉकलेट के फवारे में गिर गई और अब उसकी सुनहरी चमक साथ चल रही है। वाह, मुझे तो आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खैर केटी, सोने की चॉकलेट को खा नहीं सकते। अरे कम से कम अंडा तो चॉकलेट में बदल गया। चीजें वास्तव में अम्मा के पक्ष में जा रही हैं। खाने का आनंद लो मेरी दोस्त। और यह चुनौती एक गहरी दोस्ती के साथ समाप्त हो रही है। स्वस्थ होना है तो इस चुनौती को देखें। दोस्तों मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि फटने ही वाला है। यह 21वां रबड़ है और यह गया। डरो नहीं, सब ठीक है। जैकब सही कह रहा है, हमें अभी बहुत लगाना है। ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। चलो बहुत सारे लगाते हैं, हमने पहले ही काफी सारे लगा दिए हैं। और लगभग, ओह, और एक गंभीर विस्फोट हो गया। यहाँ अब हर जगह तरबूज है, जिसमें मेरा चश्मा भी शामिल है। यह काम किया। इसमें जितना समय लगा उस हिसाब से अच्छा है। मेरा सुझाव है कि हमें अपनी 100 परत की चुनौती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं चुनौती में हूँ, खासकर अगर हम इस तरह की सैंडविच की बात करते हैं तो। ओ यार, ये बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन मेरे बात, तुम्हारा तो काफी छोटा था। तुम्हें एक बार मेरा वाला देखना चाहिए जैकब, यह तो गजब का है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सैंडविच टावर कितना ऊंचा जाएगा। अब सोचती हूँ कि इसे कैसे निपटा जाए। मैं तो इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी। नहीं, यह बहुत छोटा है। हाँ यह सही है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब मैं इसे जल्दी से ध्वस्त करने वाली हूँ। जेसिका रुक जाओ। खैर मैं जैसा सोच रही थी उस तरह से यह काम नहीं किया, लेकिन कम से कम अब मैं खा सकती हूँ। उसने अपनी डिश को बर्बाद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अभी क्या देखा। गम का एक टुकड़ा, कितना बुरा है। ये तो पर्याप्त भी नहीं है। वाह, मुझे तो पूरा पैक मिल गया है। यह देखो, अब तुम कह सकती हो वाह। खैर तुम भाग्यशाली निकले, यह थोड़ी सी मात्रा किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। देखो मैं तो एक छोटा सा बबल भी नहीं बना पा रही हूँ। क्या तुमने सच में मेरे ऊपर गम थूक दिया? मैं अपना सारा चबाने जा रही हूँ और इसे वापस तुम्हारे ऊपर थूकूंगी। देखो तुम लोग, यह बबल कितना अच्छा बना है। मुझे पता है तुम लोगों को जलन हो रही है। मुझे पूरा यकीन है मैं इस रिकॉर्ड को हरा दूंगा। मेरे पास अधिक गम है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा बबल काफी बड़ा बनने वाला है। ओह, मेरा मुंह पूरा भर गया है। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। कोई मुझे पकड़ो, मैं उड़ रहा हूँ। ओह, वह छत से टकरा रहा है। मैं इसे रोक सकती हूँ। धन्यवाद जेसिका, तुमने मुझे बचा लिया। चॉकलेट केक की अनगिनत परतें किसी सपने के सच होने के समान है। मैं इस दौर में सच में भाग्यशाली निकली और मैं इस अवसर का फायदा उठाऊंगी और अपने लिए एक इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करूंगी। अजीब, मैं मोमबत्ती नहीं बुझा पा रही। मुझे बस और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ? तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मेरी मदद करो और सब मिलकर। अभी भी नहीं बुझ रहा। मैं हार मानने वाली नहीं, किसी भी हाल में नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है वो क्या कर रही है? मुझे अपना भरोसेमंद आग बुझाने वाला यंत्र मिल गया है। चलो इसे करते हैं। ठीक है, इसे इस बार बुझना ही होगा। यह तुमने क्या किया शार्लेट? उप्स। ओ माफ करना दोस्तों। और यह मोमबत्ती अभी भी जल ही रही है। कोई उपाय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। एक छोटा सा वेफर कुकी, क्या बकवास है।
और जैकब के पास कुकी की एक गगनचुंबी इमारत है। ओ, यह तो वास्तव में छत को छू रही है। मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे जेंगा के खेल की तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक वेफर को बाहर निकालूंगा। यह काम कर गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी खेल सकती हूँ। मुझे एक मिल गया। जैस, ओह मुझे नहीं पता, यह सब हिलता हुआ सा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं सावधानी से करूँ तो यह ठीक होगा। मुझे लगता है मुझे इस कुकीज को लेना चाहिए। अरे नहीं, ओ तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे पता था मैं नहीं जीत पाऊंगी। अब हर जगह कुकीज हैं और वे सब तुम्हारे हैं। मेरा? ठीक है तब, मैं शुरू करती हूँ। ओह, क्या वो खाने की प्रतियोगिता कर रही है या कुछ और? ये काफी स्वादिष्ट है, लाजवाब। बहुत बढ़िया, तुम लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। पैनकेक, मेरी पसंदीदा। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि इतने सारे पैनकेक को देखकर मैं गुस्सा हो रहा हूँ। ऐसा तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें एक और टावर मिला है और मुझे सिर्फ एक मिला है जो मेरी प्लेट में चिपक गया है। मैं सच में भूखा हूँ, मैं अब और इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकता। ओ यार, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस तुम थोड़ा इंतजार करो पैनकेक, मैं तुम्हें इस प्लेट से हटा देती हूँ। अगर यही आखिरी उपाय है तो मैं यही करूँगी। शार्लेट, तुमने मुझे चोट लगा दी। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत भूखी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिना इसके। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह लो शार्लेट। क्या यह सच में मेरे लिए है? धन्यवाद, तुम सबसे अच्छे हो। ओह, और यह भी। जैकब, इसके बारे में सच में खेद है। उफ, आज हर कोई मुझे मार क्यों रहा है? और यह क्या है? बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ। मुझे इसका पूरा ढेर मिल गया है। मुझे लगता है कि यह वसाबी है और वह सामान बहुत तीखा है। वास्तव में यह बुरा नहीं था। तब फिर मैं अपना खाकर देखूंगा। आह, तीखा। ओह, इसका मतलब है कि सब खाने के बाद मेरे मुंह में आग लगने वाली है। यह बहुत तीखा है, मेरी मदद करो, हमें कुछ करना होगा। मुझे पानी मिला है। यह थोड़ा ज्यादा हो गया। ब्रेड, कितना उबाऊ। मुझे पता है कि इस पकवान को कैसे सुधारना है, थोड़े जैम के साथ। अब यह बहुत अच्छा है। तीन स्लाइस, इसका मतलब है कि मैं विभिन्न स्प्रेड का उपयोग कर सकती हूँ, जैसे एप्रिकॉट जैम और उदाहरण के लिए थोड़ा न्यूटेला। मैं इसे एक के ऊपर एक रख दूंगी और फिर अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, लेकिन अभी भी पर्याप्त व्हिप क्रीम नहीं। एकदम सही, अब यह एक पूरे केक जैसा दिखता है, स्वादिष्ट। मुझे नहीं पता था कि शार्लेट ऐसे जानवर की तरह कर सकती है। हाँ, अच्छी दाढ़ी है जो तुम्हें मिल गई है। आह, यह इसके लायक था। वाह, यह सब ब्रेड देखो। मैं इसके साथ सभी प्रकार के स्नैक्स बना सकता हूँ। चीज, शिमला मिर्च, बुरा नहीं है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मुझे जेली और सलामी, केचप, बेकन, न्यूटेला की जरूरत है, शायद कुछ सब्जियाँ, जैम, और मैं कैंडी और व्हिप क्रीम भी नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि यह काफी है। ओ, लेकिन इसमें से किसी का भी स्वाद सच में अच्छा नहीं आएगा, यह पहले सोचा जाना चाहिए था। यह क्या है? लाल पत्ता गोभी? बुरा नहीं है, मुझे यह सामान पसंद है। एक पूरा गोभी,
मुझे क्यों? ये कुछ ज्यादा हो गया, मैं इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं शुरू करने से पहले कुछ परतों को छील दूंगी। इसमें बहुत समय लगेगा। यह मैं हूँ। वह क्या कर रही है? मैं इस गोभी को छांटने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? यह हो गया, अब यह संभालने लायक है। छी, मुझे इतना प्रयास नहीं करना चाहिए था, बेकार है। यदि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा। वाह, यह पैसा है, पूरे 20 रुपए। मैंने आखिरी समय पर हार क्यों मानी? गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है, हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे यह सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह यह रहा, अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी। माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो, तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो, यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता, और अब देखो क्या हुआ, सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे, तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय, हमारी टिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड, जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतने कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ हाँ लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है, और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है, और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह नो, 3 प्लेट ब्रोकली, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार, क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता, यह ध्यान में रखना। दोस्तों रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उसे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह, यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो, अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना, शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना, उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार, रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेंड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं, कौन क्या खाएगा और कितना, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं, सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड, मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है। आखिरकार सच में एक फ्राइज, यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है।
और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है, बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो एक सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो, और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो, किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो, हाथ दूर रखो, तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट, मैं तो इसका दुगना भी खा लेता, क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं, तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे, किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो। चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन, वह क्या है? सीवीड लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा, तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है, इस बार में डब्बे को क्या कहना है? क्या सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? कैली, और तुम खाओ मैडम। कैली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है, और वह हैली बहुत दिनों से दोस्त है, और उसे पता है कि हैली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार। क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा एक, और यह दो। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है, संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है, और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है, चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुरकुरा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हैली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं, आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो, देखो फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो, जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों? बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा, मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई है, और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है, यह कुछ तो है। हाँ तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे थे, तो फिरिया है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है, और इस थोड़ी थोड़ी करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे, इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है?
कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। थैली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ, और कैसे, सही कह रही हूँ ना हैली? रैचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रैचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या? नहीं, एक चम्मच भर कर वसाबी। मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ। अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। yes. प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिज्ञा करेगा, इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं, हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए है। और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। सजदों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के, तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हैली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? यह मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रैचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। yes. यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारे तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस ये आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हैली, तुम ठीक हो? पानी, पानी, आह। No.
अरे हम लोग पानी पी सकते थे, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है।